नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विक्रम सिंह चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा मित्रों, हमने चर्चा की थी कि इस वीडियो में जो है हमने लिंग उठाया था और लिंग में हम अप्राणीवाचक पुल्लिंग की चर्चा कर चुके थे। बचा था हमारा अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द। तो आइए इस वीडियो में शुरू करते हैं अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द से, फिर चलेंगे उर्दू की ओर, उर्दू शब्दों के लिंग निर्णय का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द। देखिए, अप्राणीवाचक तो आपको हमने चर्चा की थी, अप्राणीवाचक मतलब जो सजीव ना हो, जो निर्जीव ना, निर्जीवों को पहले जो है संस्कृत में क्या किया था, नपुंसक लिंग में रख दिया गया था, लेकिन यहाँ क्या किया गया, यहाँ उन्हें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांट दिया गया। तो पुल्लिंग हम देख चुके थे, आज चलते हैं जो है स्त्रीलिंग की ओर। तो क्या कर रहे हैं, नदियों के नाम, बहुत महत्वपूर्ण है ये, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। मतलब अगर हम किसी भी नदी का नाम ले लें, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, महानदी, रावी, सतलज, घाघरा, अगर हम किसी भी नदी का नाम लें तो वो सब की सब नदियां हमारी क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। गंगा बढ़ी की बढ़ा, बढ़ी, ठीक है। सतलुज बहती है कि बहता है, बहती है। तो इस तरह से नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन एक खास बात यहां ध्यान रखना मित्रों, तीन नदियां ऐसी हैं, सोण, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों का क्या है, ये नद हैं, ये नदियां नहीं हैं, ये नद हैं। और ये तीनों पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से, सोण, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। क्यों, क्योंकि ये नदी नहीं, ये नद है। नद किसे कहते हैं, नद का मतलब है वे नदियां, भाई पहले तो थी वो नदियां ही, वे नदियां जो अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काट करके गहरी घाटियां बनाकर बहती हैं, उनके पुरुषार्थ और पराक्रम के कारण, बल्कि उनके पुरुषार्थ के कारण उन्हें पुरुष मान लिया गया है। और ये तीनों नदियां यही काम करते हैं, सोण, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इसीलिए सोण, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो हैं ये नदी नहीं है, ये नद हैं, और नद पुल्लिंग होते हैं। तो इन तीनों को याद रख। और यही नहीं, ऐसा नहीं कि हमने आज इसका आविष्कार किया, इसका ज्ञान हमें बहुत पहले था। आप लोगों ने पढ़ा होगा शिवराज भूषण में, साजी चतुरंग सन अंग में उमंग धरी सर जा शिवाजी जंग जीत न चलत। क्या कहा उन्होंने, साजी चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धरी सर जा शिवाजी जंग जीत न चलत है। और वहीं आगे वो क्या कहते हैं, नदी नद मद गय बरन के रलत है, नदी नद मद गैबरन, गैबरन मन पर्वतों के। तो आप यहां देखिए, नद शब्द का प्रयोग शिवराज भूषण में ही मिलता है। तो यह पहले से अवधारणा स्पष्ट रही है, इसलिए ध्यान रखिएगा, सोण, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये तीनों नद हैं, और नद होने के कारण ये पुल्लिंग शब्द हैं। दूसरा देखिए, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्र आप जान ही रहे हैं, जैसे भरणी है, अश्विनी है, रोहिणी है, ये सब के सब नक्षत्र जो हैं ये स्त्रीलिंग है। लेकिन दो नक्षत्र हमारे अपवाद हैं, अभिजीत और पुष्य। तो इन्हें याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों क्या हैं, पुल्लिंग हैं। चलिए अगली तरफ चलते हैं। बनिए की दुकान की चीज़ें स्त्रीलिंग होती हैं। बनिए की दुकान की चीज़ें, बनिए की दुकान मतलब जो चीज़ बनिया अपनी दुकान पर बेचता है, लौंग, इलायची, मिर्च, दालचीनी, सुपारी, हींग, ये सब स्त्रीलिंग है ना। तो यहाँ इलायची हरा है कि हरी है, हरी है। लौंग काला है कि काली है, काली है ना। मिर्च तीखा है कि तीखी है, तीखी है। तो इस तरह से जो है, हाँ, इनमें याद विशेष क्या करना है, धनिया। धनिया क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि धनिया शब्द का प्रयोग दही, जैसे दही की हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, वैसे धनिया का प्रयोग भी नॉर्मली घरों में स्त्रीलिंग में किया जाता है। धनिया पीसी जाती है, धनिया हरी है, धनिया जो है महकती है। तो ये चीज है, इसको थोड़ा सा हमें गौर करना पड़ेगा, और हमें ये देखना पड़ेगा कि धनिया जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, बल्कि धनिया क्या है, पुल्लिंग है। धनिया शब्द क्या है, पुल्लिंग है। तो धनिया, जीरा, गर्म मसाला, नमक, तेजपत्ता,
केसर और कपूर ये बनिए के दुकान पर बिकने वाली वो चीज़ें हैं जो स्त्रीलिंग न होकर के पुलिंग हैं, तो अपवाद हैं, इन्हें बिल्कुल एकदम याद रखिएगा। खाने पीने की चीज़ें, चौथा नियम क्या कहता है, खाने पीने की चीज़ें स्त्रीलिंग होती हैं, मतलब जिनको हम खाते हैं पीते हैं जो है वो सब स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे कचौड़ी, पूड़ी, पूरी, खीर, दाल, पकौड़ी, तरकारी, सब्जी, मतलब ये सब की सब हमारी क्या है, ये स्त्रीलिंग है ना। कचौड़ी निकलती है कि निकलता है, निकलती है। खीर जो है मीठी है कि मीठा है, मीठी है ना। दाल पकी कि पका, पकी। तो सीधी सी बात है, ये सब की सब हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन कुछ शब्द खाने के ऐसे हैं जो पुल्लिंग है, पराठा, हलवा, भात, दही, रायता। पराठा, हलवा, भात, दही, रायता, ये सब के सब क्या है हमारे स्त्रीलिंग है, ये सब के सब हमारे पुलिंग है ना। पराठा बड़ा है कि बड़ी है, बड़ा है। पराठा जला कि जली, जला, ठीक है। हलवा मीठा है कि मीठी है, मीठा है कि नहीं। भात पका कि पकी, पका। दही को हमने पहले ही पढ़ लिया था ना। उसके बाद जो है रायता खट्टा है कि खट्टी है, खट्टा है। तो सीधा सीधा रटने की जरूरत नहीं है, जो नियम मैंने आपको बताया प्रयोग करिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग की क्रिया के साथ और तुरंत देख लीजिए पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। चलिए मित्रों अब चलते हैं अगले नियम की ओर, उर्दू के पुल्लिंग शब्द। तो ये रहा हमारे अप्राणीवाचक हिंदी के स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द। अब उर्दू के शब्दों की ओर चलते हैं और ये देखते हैं कि उर्दू के पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं। तो देखिए कुछ नियम उर्दू के हैं महत्वपूर्ण, जिन शब्दों के अंत में आब लगा हो, आब, जिन शब्दों के अंत में आब लगा होता है वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे गुलाब, हिसाब, जवाब, कबाब, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे गुलाब फूला कि फूली, फूला है कि नहीं। हिसाब लिखा गया कि लिखी गई, लिखा गया, ठीक है। जवाब मिला कि मिली, मिला। बिल्कुल प्रयोग करके फटाफट देख लीजिए, याद करना ही नहीं। हाँ ये ध्यान रखिएगा, शराब, मिहराब और किताब, तो आराम से आप देखिए इसमें महत्वपूर्ण शब्द दो ही हैं, शराब और किताब। किताब खुला कि खुली, किताब खुली। शराब पी जाती है कि पिया जाता है, पी जाती है। तो इस तरह से शराब और किताब ये क्या है जो है स्त्रीलिंग, तो याद रखिएगा इन्हें अपवाद में। अगला कह रहे हैं जिनके अंत में आर या आन, आर या आन लगा होता है वे शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जिनके अंत में आर या आन लगा होता है वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे बाजार, आर लगा है, इकरार, आर लगा है, मकान, आन लगा है, सामान, आन लगा है। तो ये सब के सब हमारे क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे बाजार बड़ा है कि बड़ी है, बड़ा है। इकरार हुआ कि हुई, हुआ। इश्तिहार लगा कि लगी, लगा। मकान बड़ा है कि बड़ी है, बड़ा है। तो इस तरह से बाजार, इकरार, इश्तिहार, मकान, सामान, ये सब के सब हमारे क्या हैं जो है पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन दुकान, सरकार, तकरार, ये तीन शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग है। जैसे दुकान खुला कि खुली, खुली। सरकार बना कि बनी, बनी। तकरार हुआ कि हुई, हुई। तो सीधी सी बात है ये तीनों स्त्रीलिंग है। आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, मतलब वे शब्द जिनका अंतिम वर्ण आ हो उन्हें कहेंगे आकारांत, और वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे पर्दा, पर्दा बड़ा है कि बड़ी है, बड़ा है। गुस्सा आया कि आई, आया। किस्सा जो है बड़ा है कि बड़ी है, किस्सा बड़ा है भाई, बड़ा कहानी है। चश्मा लगा कि लगी, लगा। तो इस तरह से तमगा मिला कि मिली, मिला। तो प्रयोग करके फटाफट देखिए सब पुल्लिंग निकल गए। लेकिन दफा, दफा लगी, इसका मतलब ये अपवाद है। तो ये रहे उर्दू पुल्लिंग शब्द। आइए चलते हैं उर्दू स्त्रीलिंग शब्दों की ओर।
उर्दू स्त्रीलिंग में क्या करें, सकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। सकारांत संज्ञा का मतलब है वे संज्ञा जिनके अंत में तालव्य श आता है, वे सब क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे कोशिश, कोशिश कोशिश की गई, लाश मिली, तलाश हुई, मालिश हुई, तो इस तरह से ये सब जो हैं स्त्रीलिंग हैं। अपवाद क्या है, होश और ताश। ताश खेला जाता है कि खेली जाती है, खेला जाता है, होश आया कि आई, आया, तो इस तरह से ये दोनों जो हैं पुल्लिंग हैं। तकारांत संज्ञाएं, देखिए जिन संज्ञाओं के अंत में त होता है ऐसी संज्ञाएं भी स्त्रीलिंग होती हैं। तकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे दौलत, दौलत मिला कि मिली, मिली, कसरत किया हुआ कि हुई, हुई, ठीक है, अदालत लगा कि लगी, लगी, इजाजत मिला कि मिली, मिली, तो देखिए फटाफट बनते चले जा रहे हैं, बस केवल प्रैक्टिस से ये नियम सीखिए। हाँ, इसमें क्या है, शरबत, शरबत गिरा कि गिरी, गिरा, दरख्त माने पेड़ गिरा कि गिरी, गिरा, बंदोबस्त हुआ कि हुई, हुआ ना, वक्त मिला कि मिली, मिला, तो इस तरह से आराम से आप देख रहे हैं कि पुलिंग स्त्रीलिंग निकलते चले जा रहे हैं। आइए चलते हैं अगले जो है। हाँ, इसमें दो अपवाद और हैं, तख्त और दरख्त। तो खैर दरख्त तो हमने यहाँ लिख दिया था, एक शब्द बचा है तख्त। तख्त बड़ा है कि बड़ी है, तख्त माने सिंहासन, बड़ा है कि बड़ी है, बड़ा है, तो सीधे सीधे ये हो गए हमारे पुल्लिंग शब्द, ठीक है, जो अपवाद से बने हैं, तो इनको दिमाग में रखिए। और आइए चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम कहता है आकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। आकारांत मतलब वे संज्ञाएं जिनके अंत में, देखिए आकारांत पुल्लिंग भी थे और आकारांत स्त्रीलिंग भी हैं, तो अब हमें प्रयोग करके देखना पड़ेगा कि कैसी स्थिति में आकारांत पुल्लिंग होंगी और किस स्थिति में आकारांत स्त्रीलिंग होंगी। तो कह रहे हैं आकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे हवा, हवा चलती है कि चलता है, चलती है, दवा मिली कि मिला, मिली, सजा मिला, मिली कि मिला, मिली, दुनिया बड़ी है कि बड़ा है, बड़ी है, दगा न, तो जो है दगा मिला कि मिली, ठीक है, तो इस तरह से जो है दगा मिली, तो इस तरह से जो है ये ध्यान रखें। इसमें एक अपवाद है मज़ा, और ये शब्द कई बार पूछा जाता है, कब, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यार। अब सीधे सीधे प्रयोग करके देखो आप, मज़ा आया कि आई, मज़ा आया, तो मज़ा क्या है, जो है पुल्लिंग शब्द है, तो ये रहा पुल्लिंग। अच्छा, एक अब बात करते हैं हिंदी में कुछ शब्द, दो तीन शब्द महत्वपूर्ण, वैसे तो हम और भी चर्चा करेंगे जो हमें पूछे नहीं जाएंगे, वो प्रयोग पर डिपेंड करते हैं, लेकिन तीन शब्द ऐसे हैं जो कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग किए जा सकते हैं। इन्हें कहते हैं उभय लिंगी, उभय माने दोनों, लिंगी माने लिंगों में, मतलब जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग किए जा सकें उन्हें उभय लिंगी कहते हैं। इसका सूत्र है पवन ने विनय की सहायता की, पवन ने विनय की सहायता की ना, पवन से पवन, विनय से विनय, सहायता से सहाय, मतलब पवन, विनय और सहाय, ये तीन शब्द ऐसे हैं जो उभय लिंगी शब्द हैं, अर्थात इनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही प्रयोग समान रूप से किया जाता है। तो ये रहा हमारा लिंग का चैप्टर, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि बेहतर आपको समझ में आया होगा। और मित्रों याद रखिए, जितना यहाँ बताया गया इतना पढ़िए और पेपर सॉल्व करिए, देखिए अगर इसके बाहर एक भी शब्द, लेकिन जो तरीका मैंने बताया हर उस तरीकों को फॉलो करते हुए आप देखिए, अगर इसके बाहर एक भी क्वेश्चन हो तो हमें बताइएगा, इसके बाहर हो ही नहीं सकता, लिंग वचन में इससे ज़्यादा है ही नहीं, और इससे ज़्यादा अगर कोई पढ़ाता है तो केवल आपको पेज भरवाता है बस, ये समझ लीजिएगा, मूल मूल बातें केवल इतनी ही हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।